गाइस अभी है समर का टाइम और इस समर के टाइम पे सूरज अपने प्रचंड रूप में होता है और मतलब जितना वो स्किन को जितना वो हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है उतना पहुंचाता है। डिहाइड्रेशन हो जाता है बॉडी में, फेस की स्किन डैमेज हो जाती है, सन की रेज से हमारी स्किन पे सनबर्न हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब हमें बहुत ज़्यादा गंदे तरीके से इफेक्ट करता है सूरज। तो इसलिए आज का मेरा वीडियो जो होने वाला है आपकी स्किन के लिए होने वाला है। मैं आज आपको सनस्क्रीन के बारे में बताऊंगी, सनस्क्रीन क्यों लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, क्यों लगानी चाहिए सनस्क्रीन को और ये किस किस के लिए ज़रूरी होता है। ये मेंस विमेंस के लिए ही होता है या मेंस के लिए भी होता है, मैं आज आप लोगों को ये भी बताऊंगी। तो गाइस सनस्क्रीन क्या होता है, सनस्क्रीन हमारी फेस की स्किन का प्रोटेक्शन, फेस की नहीं बॉडी की, इवन जहाँ पे भी हमारी बॉडी शो करती है जैसे कि हमारे हैंड्स हुए, फेस हुआ, नेक हुई और लेग्स या फुट जो भी हुए ये वहाँ पे लगाई जाती है जहाँ पे हमारी सूरज की किरणें पड़ती हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि सनस्क्रीन को सिर्फ हम धूप में ही लगा के जाएं, हम घर में रहते हैं तब भी हमें सनस्क्रीन लगानी चाहिए। तो सनस्क्रीन जो हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करती है, सनस्क्रीन में SPF मतलब सन प्रोटेक्ट फैक्टर होता है जो हमारी स्किन को सन से बचाता है, सन की रेज से बचाता है। सनस्क्रीन कई SPF में आती है, SPF 20, 25, 30, 50 तक होती है। अगर आप धूप में या कहीं जा रहे हैं तो आपको SPF 50 लगानी चाहिए और अगर आप घर में रह रहे हैं तो आप SPF 30 भी लगा सकते हैं। और हाँ, मैं एक चीज़ आप लोगों को और बता देना चाहती हूँ कि सनस्क्रीन को हम लोग ब्यूटी प्रोडक्ट में नहीं रखते हैं, ये ब्यूटी प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं है, ये हमारा हमारे स्किन के लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, ये स्किन प्रोटेक्टर है ना कि ये ब्यूटी प्रोडक्ट है। इसलिए आप सनस्क्रीन को ब्यूटी प्रोडक्ट में ना रखें, ये मेन और वुमेन दोनों के लिए सेम काम करती है। ये मेन की स्किन के लिए भी उतनी ही ज़्यादा ज़रूरी होती है जितनी कि वुमेन की स्किन के लिए, क्योंकि सूरज सबके लिए बराबर बराबर रेज देता है, सबकी स्किन को बराबर ही डैमेज करता है। ये नहीं है कि वुमेन्स की स्किन को ज़्यादा डैमेज करेगा और मेन की स्किन को नहीं करेगा। तो जितनी ज़्यादा वुमेन्स की स्किन के लिए सनस्क्रीन होती है उतनी ही ज़्यादा मेन की स्किन के लिए भी सनस्क्रीन ज़रूरी होती है। तो और सनस्क्रीन के बारे में एक बात और बता दूं मैं आप लोगों को कि सनस्क्रीन जैसे आप घर से बाहर जाते हैं तो आपको घर से बाहर जाने से 15 मिनट पहले SPF 50 की सनस्क्रीन लगानी है। 50 वाली इसलिए लगानी है क्योंकि आप धूप में जा रहे हैं तो आपको 15 मिनट पहले लगानी है, जिससे कि आपकी स्किन में ऑब्जर्व हो जाएगी और स्किन जो सनस्क्रीन होती है जो एक स्क्रीन सन के लिए स्किन अच्छे से बना देगी आपके फेस पे, तो इससे आपकी स्किन को डैमेज नहीं होगा सन की रेज से। तो इसलिए अगर आप बाहर जाते हैं घर से तो आपको 15 मिनट पहले सनस्क्रीन को लगाना होगा, जिससे ही आपकी स्किन को प्रोटेक्ट अच्छे से कर पाएगी। और हाँ, सनस्क्रीन लगाने के बाद में हर 4 घंटे में आपको सनस्क्रीन लगानी है। ये एक सनस्क्रीन का असर कम से कम 4 घंटे 3 से 4 घंटे रहता है, आपको 4 घंटे में सनस्क्रीन लगानी है और चाहे आप घर में रहते हैं चाहे बाहर रहते हैं, लेकिन 4 घंटे तक ही असर करती है, कोई भी सनस्क्रीन 4 घंटे तक ही असर करती है। तो आई थिंक आप लोगों को पता लग गया होगा सनस्क्रीन क्यों हमारी स्किन के लिए ज़रूरी है। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जॉली पाराशर, कैसे हैं आप लोग, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का मेरा वीडियो सनस्क्रीन पे होने वाला है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को अपनी फेवरेट 3 सनस्क्रीन के बारे में बताऊंगी, ये मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं ये, और मैं इनका रिव्यू भी आपको करके बताऊंगी और मैं आपको ये भी बताऊंगी कि ये मुझे क्यों पसंद आती है पर्सनली। और ये मैंने बहुत देख के बहुत सारी सनस्क्रीन को यूज़ करने के बाद में मुझे ये 3 बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो आज मैं आप लोगों को इसी का रिव्यू करूंगी, इसी का आपको बताऊंगी कौन सी सनस्क्रीन में क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, बेल आइकन को हिट करके ऑल कर दें, लाइक भी कर दें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का अपना वीडियो। तो जो मेरी सबसे पहली सनस्क्रीन है वो है ये न्यूट्रोजीना की सनस्क्रीन है ये, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी सनस्क्रीन है, अल्ट्रा शीयर है, ड्राई टच सन ब्लॉक है, SPF 50 प्लस है, अल्ट्रा लाइट क्लीन फील है, इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा अच्छा है, लीव स्किन सॉफ्ट एंड स्मूथ एंड वाटर प्रूफ बनाती है स्किन को ये, और डर्मेटोलॉजिस्ट टेस्टेड है, डर्मेटोलॉजिस्ट जो होते हैं आपको ये बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड करते हैं। ये ऐसा नहीं है स्वेटिंग हो गई या फिर बारिश हो गई आपके फेस में बारिश की बूंदें गिर गई तो ये हटेगी नहीं, आपको इसे हटाना ही पड़ेगा फेस वॉश करने के बाद में ही या फिर से हटेगी। तो ये बहुत अच्छी SPF क्रीम है, इसमें SPF 50 है और SPF 50 की क्रीम मैंने बताया जैसा कि आपको धूप में अगर बाहर जाते हैं या आप घर से बाहर निकलते हैं तो आपको SPF 50 की क्रीम लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका मैं बता देती हूँ, ये बहुत ही अच्छी क्रीम है, बहुत लाइट वेट है और ये इससे लगाने के बाद में स्किन बिल्कुल भी ऑयली नहीं लगती है, ये स्किन में बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है और इसमें हल्की सी खुशबू है, रोज़ जैसी खुशबू आती है हल्की, और बहुत ही अच्छी क्रीम है, सनस्क्रीन है ये, देखिए
इसे लगाने के बाद में स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है और हल्की सी शेर सी आपके स्किन पे ये देखिए ग्लो आ जाता है। बहुत अच्छी क्रीम है ये गाइस, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है ये। नंबर वन पे मैं अगर किसी सनस्क्रीन को रखूँगी इन तीनों में तो ये मेरी नंबर वन सनस्क्रीन है। ये देखिए बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है इसका। और इसके बारे में आपको गाइस बता दूं, ये वाटर प्रूफ है, स्वेट प्रूफ है, अगर आप रब ऑफ करेंगे तब भी ये नहीं निकलेगी। ऑयल फ्री है और पैराबिन फ्री है ये, इसलिए इसे डर्मेटोलॉजिस्ट रिकमेंडेड करते हैं कि। और गाइस ये सेंसिटिव स्किन वालों के लिए बहुत परफेक्ट सनस्क्रीन है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, दाने वगैरह या रैशेज बहुत जल्दी हो जाते हैं, कोई भी चीज लगाते हैं, प्रोडक्ट लगाते हैं फेस पे, सनस्क्रीन एक ऐसी चीज है, चाहे सेंसिटिव हो, नॉर्मल हो, ऑयली हो, कोई भी स्किन हो, सबके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो देन अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है तो आप इस सनस्क्रीन को ले सकते हैं। ये बहुत, इसकी क्वांटिटी 30 ml है और इसका प्राइस है 199 rupees, बट मैंने इसको नायका से खरीदा था, आई थिंक मुझे सेल में मिली थी, तो जो भी इसके एक्चुअल प्राइस होंगे मैं उसको आपको स्किन पे लगा दूंगी, जो भी इसके एक्चुअल प्राइस है मैं स्किन पे मेंशन कर दूंगी। तो सबसे पहली मेरी सनस्क्रीन होती है ये, और उसके बाद में मेरी दूसरी जो फेवरेट सनस्क्रीन है वो है ये लोटस की, लोटस हर्बल की सनस्क्रीन है, सेफ सन है ये, सेफ सन नाम है मतलब इसका सनस्क्रीन का, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी है। जिस तरह से लोटस के और प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं अगर आपने यूज़ किए हों, ये सनस्क्रीन भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, और लोटस के प्रोडक्ट हर्बल होते हैं तो ये भी हर्बल सनस्क्रीन बोल सकते हो। उसमें यूवी स्किन मैट जेल है, ये जेल फॉर्मूला में आती है, अल्ट्रा सूदिंग मैट लुक, ऑयल कंट्रोल है, SPF 50 है, UVB A से हमें प्रोटेक्ट करती है, नॉर्मल टू ऑयली स्किन के लिए है, और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छी सनस्क्रीन है ये। इसका ये देखिए इस तरह से जेल फॉर्मूला है इसका, ये शायद आपको नहीं दिख रहा होगा बट ये जेल फॉर्मूला में आती है, और ये आपकी स्किन को बिल्कुल भी ऑयली, अगर आपकी ऑयली स्किन से बहुत ज़्यादा परेशान है तो आपके लिए बहुत अच्छी सनस्क्रीन है वैसे। और ये इसे नॉर्मल स्किन वाले, ऑयली स्किन वाले कोई भी लगा सकते हैं, अगर आपको ऑयली स्किन की प्रॉब्लम है तो भी आपके लिए बहुत अच्छी क्रीम है ये, एकदम से मैट लुक देती है, बहुत जल्दी ऑब्जर्व हो जाती है स्किन में। और इस सनस्क्रीन को लगाने के बाद में आपको हर 2 घंटे में आपको इसे यूज करना पड़ेगा, इसका बस एक यही है, जो न्यूट्रोजेना वाली सनस्क्रीन है उसको लगाने के बाद में आपको 4 घंटे तक सनस्क्रीन नहीं लगानी पड़ेगी, बट इसके साथ में आपको 2 घंटे में लगानी पड़ेगी इसके साथ में, बस इसीलिए मेरे सेकंड नंबर पर ये वाली सनस्क्रीन आ जाती है, इसलिए इसको आपको अगर आप ज्यादा देर तक 2 घंटे तक जा रहे हैं तो आप इसे लगा के जा सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा देर रहना है सन में तो आप इसे लेके साथ में जाएं, और 2 घंटे बाद में आपको इसे फिर से अप्लाई करना पड़ेगा सन के लिए। यही होता है सनस्क्रीन का, आपको 2 या 4 घंटे में लिखा होता है सनस्क्रीन के ऊपर कि आपको इसे 2 घंटे बाद वापस से अप्लाई करना है या 4 घंटे बाद वापस से अप्लाई करना है, तो इसके साथ में लिखा हुआ है कि आपको इसे हर 2 घंटे के बाद में इसे यूज़ करना है। तो सेकेंड नंबर पर मेरी ये है सनस्क्रीन, और इसकी मैं प्राइस बता देती हूँ, ये 50 ग्राम की क्वांटिटी में आती है और इसकी प्राइस है 315, और अगर आप किसी साइट पर देखेंगे तो हो सकता है ये आपको थोड़े डिस्काउंट में मिल जाए, बट मैंने ये लोकल मार्केट से खरीदी थी तो मुझे प्राइस में जो इसका MRP था मुझे उसी प्राइस में मिली है, मुझे बिल्कुल भी इस पर डिस्काउंट नहीं मिला है, लेकिन अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदते तो आपको डेफिनेटली डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सेकेंड मेरी सनस्क्रीन होती है ये, जो मेरी फेवरेट सनस्क्रीन है, और गाइज उसके बाद में जो मेरी थर्ड सनस्क्रीन है वो है ये गुड वाइब्स की SPF 30। हाँ जी, SPF 30 है, और ये गुड वाइब्स की मैंने इसको विंटर्स में ख़रीदा था। और हाँ, एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं कि चाहे सर्दियां हों चाहे गर्मियां हों, हमें सनस्क्रीन को हमेशा लगाना चाहिए। सर्दियों में आप ये कर सकते हैं कि सर्दियों में आप SPF 30 लगा सकते हैं, लेकिन गर्मियों में आपको SPF 50 ही लगानी पड़ेगी, तो इसलिए मैंने इसको सर्दियों के लिए परचेज किया था। और इसके अंदर बता दूं, इसमें इसके अंदर है एलोवेरा, ग्रीन टी, कुकम्बर और जोजोवा इसमें मिक्स किया गया है। ये भी बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, और ये आपकी सन ब्लॉकिंग जो हो जाती है फेस को उसको रिमूव करता है, एंटी एजिंग का काम करती है, स्किन को प्रोटेक्ट करती है, और इसके अंदर स्किन प्रोटेक्ट के एजेंट पड़े हुए हैं, तो ये भी सनस्क्रीन मेरी बहुत ज़्यादा अच्छी है। बट ये थर्ड नंबर पर मेरी इसलिए है क्योंकि ये SPF 30 है, इसको मैं सिर्फ घर में लगा सकती हूँ। अब अगर गुड वाइब्स की SPF 50 भी ले सकते हैं, और पर्पल पर ये बहुत आसानी से अवेलेबल है, गुड वाइब्स के प्रोडक्ट आपको सिर्फ पर्पल पर मिलेंगी, तो आप इसे पर्पल से परचेज कर सकती हैं अगर आप इसे लेना चाहती हैं। ये एक क्रीम बेस्ड है, SPF सनस्क्रीन जो होती है 3 फॉर्मूला में आती है, मॉइस्चराइजर में, जेल में और क्रीम में। तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्रीम वाला है, और ये हल्की सी ना
अगर आपकी ऑयली स्किन है तो मैं आपको इसे रिकमेंडेड नहीं करूंगी। हल्की सी ना चेहरे पर ऑयल ले आती है ये, जैसे ये आपको 15 मिनट होंगे आपको आपके फेस पे ऑयल दिखने लग जाएगा, इसलिए अगर आपकी ऑयल स्किन है तो आप इसे ना लें, और नॉर्मल और ड्राई है तो आप इसे यूज कर सकती हैं। ये मेरी थी थर्ड सनस्क्रीन जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को समझ में आ गया होगा सनस्क्रीन लगाना क्यों जरूरी है, और अगर आप इनमें से कोई भी सनस्क्रीन लेना चाहते हैं तो मैं इन सब की आपको बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर लेना, अगर आपको लेना है वहां से देख लेना। तो गाइज ये था मेरा आज का वीडियो, आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना, लाइक कर देना और बेल आइकन को हिट कर देना, कमेंट करके भी बताना आप लोगों को कैसा लगा है, लाइक जरूर कर देना। तो बस मिलती हूँ मैं आपसे अपने नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।